नमस्कार, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के बयान। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले वे चर्चा चाहते थे, जब हम तैयार हुए तो उन्होंने निज मुंह का मुद्दा उठाया। अब वे नया मुद्दा लेकर आए हैं कि पीएम आकर चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है ये सभी बहाने हैं। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अगर पीएम को संसद में लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। राज्यसभा सांसद मनोज झा, हम जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सकता है, यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का मकसद क्या? विपक्ष जानता है कि सरकार सदन में आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 में आया था, तब सरकार को 325, विपक्ष को 126 वोट मिले थे। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पे चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा।